1,000 सालों बाद इंसानों का दिमाग कैसा होगा आपके अकॉर्डिंग? 1,000 तो बहुत दूर है, बहुत जल्दी सत्युग आएगा। अब बहुत जल्दी सत्युग आएगा। यस, और इसीलिए सत्युग तो बहुत प्यारा होगा। हर सोल परफेक्ट होगी, हर बॉडी परफेक्ट होगी। परफेक्ट वर्ल्ड था, हमने उसको परफेक्शन से शिफ्ट किया धीरे धीरे, अब हम वापस परफेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए अगर आप देखो, ये वो भी समय है जहां बहुत लोग अब हायर वाइब्रेशनल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, यू फील दैट और नो? दैट्स ऑल। सो दिस टाइम इज कॉल्ड द टाइम ऑफ अवेकनिंग। जैसे रात के 4-5 बजे, 3-4 बजे का समय होता है ना, कुछ लोग सोने जाते हैं और कुछ लोग उठते हैं। तो किसी के लिए वो गुड नाइट है और किसी के लिए वो गुड मॉर्निंग है। ये वो वाला समय चल रहा है प्लैनेट पे। कुछ लोग सो रहे हैं, मतलब अज्ञान की नींद में, इग्नोरेंट किस तरह की लाइफ लीड कर रहे हैं। एंड कुछ लोग अवेकनिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जागरण, अवेकनिंग टू अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग। नई तरह से सोचो, नए संस्कार, नए कर्म, डेस्टिनी बदलो। सो बहुत छोटा फिगर चाहिए होता है टू ओवर पावर द बिलियंस ऑफ द प्लैनेट एंड द वर्ल्ड विल चेंज अगले 50 सालों के अंदर। डेफिनेटली, कांट यू सी सृष्टि पर क्या क्या हो रहा है? और कुछ नहीं देखना और सारे फैक्टर्स इग्नोर कर दो, सिर्फ क्लाइमेट और प्लैनेट की कंडीशन को ही देख लो। अगर आप यूएन की साइंटिफिक डेलिब्रेशन सुनेंगे, वन ऑफ द साइंटिस्ट सेड, प्रिपेयर द वर्ल्ड फॉर द प्लैनेट टू डाई, वी हैव 10 इयर्स, ऐसा बोला उन्होंने। क्रिटिकल हो रही है प्लैनेट की सिचुएशन। ऑडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बन गई है कि ऑडियंस नीड्स टू टेक केयर कि अगर आप एक नेगेटिव कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहे हो, सिर्फ आप नहीं कंज्यूम कर रहे हो, आप क्रिएटर को और वैसा बनाने के लिए इंस्पायर करो, क्योंकि उसका तो वो बिजनेस है। और फिर आपके कंज्यूम करने की वजह से वो और बनाते हैं और बनाते हैं, और लोग कंज्यूम करते हैं। एंड देन वी आर सेइंग, व्हाई इज द वर्ल्ड बिकमिंग लाइक दिस? हमारे बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी। शायद इसलिए आजकल लोग टीवी न्यूज कम देखते हैं। हाँ, पर सिर्फ न्यूज से क्या होगा, बाकी सब कुछ मूवीज की तरह, मूवी, ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, एवरीथिंग, जो भी कुछ आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो, पोर्नोग्राफी, वी आर द हाईएस्ट कंज्यूमिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो वी हैव टू पॉज। अगर आप लस्ट कंज्यूम करोगे, ईगो कंज्यूम करोगे, ग्रीड कंज्यूम करोगे, क्राइम कंज्यूम करोगे, फियर कंज्यूम करोगे, वायलेंस कंज्यूम करोगे, कंपैरिजन कंज्यूम करोगे सोशल मीडिया पे, क्रिटिसिज्म कंज्यूम करोगे, कॉमेडी में आप लोगों को रिडिक्यूल करोगे, फिर आप क्या कंज्यूम कर रहे हो? तो जो आप कंज्यूम करोगे वो ही आप बनोगे। सो कॉन्टेंट इज इमोशनल डाइट। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। जो हम बनते हैं वो कर्म में आता है, जो कर्म में आता है वो डेस्टिनी बनता है। सो कंटेंट इज इक्वल टू डेस्टिनी, एंड इसलिए द डेस्टिनी ऑफ द प्लैनेट इज चेंजिंग। कंटेंट, दैट इज द पावर ऑफ कंटेंट। ऐसे ही नहीं कहा गया था कि मीडिया पावर है। तो 30 इज द एज ऑफ योर बॉडी। आपकी क्या एज है? सोल की? हाँ, आई वुड लाइक टू बिलीव कि मिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड। सो एजलेस, क्योंकि वो कभी मरता नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी, इटर्नल है ना, एनर्जी है। तो 30 इयर्स पहले आप कहां होंगे? एक और कॉस्ट्यूम में। हमें नहीं पता कि उस कॉस्ट्यूम में आप कौन सा रोल प्ले कर रहे थे, आपकी फैमिली कौन सी थी, आप कौन से देश में थे, आप कौन से शहर में थे, आप कौन से सिनारियोज में थे, आप कौन से सिचुएशंस में थे। उस सब की वजह से ना आपके यहाँ बहुत सारे संस्कार रिकॉर्ड हुए हैं, बहुत सारे कर्म बने हैं। आप कई सोल्स के साथ बहुत क्लोज इंटरेक्शन में आए होंगे, उनके साथ आपके कार्मिक अकाउंट्स बने हैं। इससे पहले आप एक अलग कॉस्ट्यूम में थे, लेट्स से फॉर 100 इयर्स। उससे पहले आप एक और कॉस्ट्यूम में थे फॉर 100 इयर्स। ऐसे करते करते यू हैव कम ऑन अ वेरी लॉन्ग जर्नी। अब जो आप हैं ना, आप सिर्फ ये नहीं है, आप ये हैं। ये तो सिर्फ आपने अक्वायर किया है। तो आपके पास यहाँ बहुत सारी लाइफ टाइम्स की रिकॉर्डिंग्स है। अब सपोज आई एम एन अडल्ट टुडे, वी कॉल इट अडल्ट बॉडी, बट मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, बहुत एंग्जाइटी है, और ऐसे करते करते मैंने 70-80 साल इस शरीर में जिए, मुझे आत्मा ने शरीर छोड़ा, तो इजंट फियर एंड एंग्जाइटी ट्रैवलिंग विद मी? वो तो मेरे संस्कार में है ऑलरेडी, और मैं उस संस्कारों के साथ गर्भ में प्रवेश किया। आप अगर अपने वूम्ब के टाइप में जाएंगे और अपनी मम्मी से जाकर पूछेंगे कि जब मैं आपके वूम्ब में था, आपकी लाइफ कैसी चल रही थी, वर यू ओके, वॉज देर एनीथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ, डिड यू गो थ्रू एनी इमोशनल फियर और दिस, इफ योर मदर हैड गॉन थ्रू दैट, यू वुड हैव 99% गॉट दैट संस्कार। तो वो 9 महीने इमोशनली बहुत पावरफुल होते हैं फॉर द सोल इन द वूम। तो अब आप देखो, एक मेरा पास्ट लाइफ,
फिर मेरा वोम्ब एक्सपीरियंस, और फिर अब मैं 5 साल का बच्चा हूं, तो आप बोलते हो मेरे को एंग्जाइटी क्यों होती है? क्योंकि मेरे मम्मी पापा को हो रही थी उस 9 महीने में, एंग्जाइटी हो रही थी, मतलब हाइपर है ना. आजकल के बच्चे हाइपर भी बहुत हैं, क्योंकि हम बहुत हाइपर हैं, हम एक मिनट भी साइलेंस में नहीं बैठते. सो वूम टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, जहां पेरेंट्स को मेडिटेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल स्टडी करने चाहिए. याद रखो, अभिमन्यु उस समय सीख लेगा. तो अपने बच्चे को आप जो बनाना चाहते हो, नॉट प्रोफेशनली एंड अचीवर, संस्कार में उसको जो बनाना चाहते हो, उस 9 महीने में करो. योगा करो, मेडिटेशन करो, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो, सात्विक खाना खाओ, ये सब आप अभी करो. 9 months इन्वेस्टमेंट, यू आर लेइंग डाउन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द चाइल्ड. लेकिन आप हाइपर हो, आप सारा दिन इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करोगे, आप एक दिन में बिंज वॉचिंग 10 एपिसोड देख लोगे, सोल इज इन द वोम्ब ऑफ द मदर,